मुझको किसी ने बताया था कि बर्गर बर्गर नहीं होता जब तक उसको खाने के लिए आपको अपना मुंह फाड़ना ना पड़े। बहरहाल ये जंबो साइज बर्गर जो है ये किन्वा से बनाया गया है। साथ आप देख सकते हैं लैक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं जिनकी रेसिपी आपको ऊपर दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। ये और इसके अलावा बहुत सारी और रेसिपीज हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद रेसिपीज मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम किन्वा बर्गर बनाएंगे जो कि ग्लूटेन फ्री है और इसके साथ साथ लो कार्ब भी है अगरचे कीटो फ्रेंडली नहीं है। बहरहाल ये ग्लूटेन फ्री बर्गर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सीलिएक डिजीज़ है या कोई भी हजरात जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उनके लिए ये बर्गर एक बेहतरीन ट्रीट है। तो आपके जानने वालों में से अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। किन्वा बर्गर बनाने के लिए हमारे पास ये किन्वा है। एक कप मैंने अनकुक्ड किन्वा जो लिया था उसको मैंने सोक करके उसको मैंने कुक कर लिया और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, फ्लफी हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। किन्वा को कुक कैसे करते हैं और इसको आपने कैसे स्टोर करना होता है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक कप उबले हुए चने। ये काबुली चने हैं, ये हमने इसी तरह रात भर भिगो के तो इसको उबाल के ये बिल्कुल नर्म जो है ये हो गए हुए हैं। और ये हमारे पास राजमा है, राजमा जो है वो भी एक कप है और ये भी हमने इसी तरह रात भर भिगो के और मिट्टी की हांडी के अंदर जो है ये हमने उबाल लिए। साथ हमारे पास ये आधा कप बेसन है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन के कितना लिक्विड होता है हमारा बैटर जो है। इसके साथ ये एक छोटा प्याज है, ये मैंने जो है स्लाइस कर लिया, काट लिए। अगर आप हरी प्याज इस्तेमाल करना चाहें तो हरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट है और इसके अलावा ये मेरे पास मसालों के अंदर जो है ये एक टेबलस्पून जो है ये हिमालयन पिंक नमक है। इसके साथ ही एक टेबलस्पून जो है ये धड़ा मिर्च है, लाल मिर्च। ये दोनों चीज़ें एक टेबलस्पून है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो टीस्पून है। ये एक टीस्पून काली मिर्च है, एक टीस्पून जो है तिल है सफ़ेद तिल, एक टीस्पून गरम मसाला है, एक टीस्पून जो धनिया है वो है पिसा हुआ पाउडर हुआ हुआ, और एक ही टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है पाउडर्ड ज़ीरा। और ये है कि ये भी मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी आपका जो वीगन बर्गर होता है उसके अंदर जो जायका होता है वो मसालों से होता है, तो ये देखें कि आपके मसाले जो अच्छी क्वालिटी के हों। इसके अलावा मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो गोभी है जो कि मैंने अभी फूल फूल जो है वो कर ली है और अभी मैं इसको फूड प्रोसेसर के अंदर इसका बेसिकली कॉलीफ्लावर राइस जो है वो बना लूँगी। ये मैं फूड प्रोसेसर के अंदर अपनी गोभी जो है उसकी कॉलीफ्लावर राइस बनाऊंगी। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये देख लें कि पीसेज आपके छोटे छोटे हों ताकि आपकी मशीन के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डले। ये जो आधा किलो गोभी थी ये हमने एक दफ़ा फूड प्रोसेसर के अंदर जो है ये चॉप कर लिया। बेसिकली कॉलीफ्लावर राइस जो है ये बन गई है। ये मैं अपने एयरफ्रायर के अंदर इसको जो है तकरीबन 10 मिनट जो है वो गर्म कर लूँगी ताकि ये है कि ये नरम हो जाए। आप चाहें तो नॉर्मल माइक्रोवेव के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन ये है कि आप देख लें कि पानी ना छोड़ जाए माइक्रोवेव के अंदर। ये बेसिकली 160 के ऊपर जो है ये मैं इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो गर्म कर देती हूँ। ये जी 10 मिनट हो गए हैं और अब हम खोल के देख लेते हैं हमारी गोभी जो है ये नरम हुई है कि नहीं। ये सारी रेसिपी आप चूल्हे पे बना सकते हैं लेकिन ये कि एयर फ्रायर में बहुत सहूलत रहती है। ये देख लें जी हमारी गोभी ये तैयार हो गई है। इसको साफ़ करना आसान होता है और अगर एक या दो बंदे हों या होस्टलाइट्स हों तो उनके लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो ये कि आपको मज़ीद एयर फ्रायर की रेसिपीज़ जो है ऊपर दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अब मैं फूड प्रोसेसर के अंदर ये सारे जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने बताए हैं ये सारे जो हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन फूड प्रोसेसर के अंदर सारे इक्वली जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। किन्वा का ये वीगन बर्गर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गोश्त अवॉइड करना चाहते हैं और ग्लूटेन जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं। अगर उनको सीलिएक डिजीज है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है या लीकी गट को हील करना चाहते हैं। लीकी गट को हील करने के लिए और कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं ये आपको ऊपर दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना प्रोसेसर बंद करके साइड स्क्रेप कर लीजिएगा।
گوشت صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں، اوپر دیے گئے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال گوشت کا بہت اچھا ریپلیسمنٹ کنوا ہے، اور کنوا کا یہ برگر انتہائی مزیدار بنے گا۔ اور یہ جی ہمارے سارے انگریڈینٹس جو ہیں یہ مکس ہو گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کو چمچے سے اٹھاتے ہیں تو یہ چمچہ پکڑ لیتے ہیں، یعنی کہ شیپ ہولڈ کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے ایئر فرائر جو ہے نا اس کے نیچے آئل برش کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھ پہ بھی لگا لیں، اور اس طرح دبا دبا کے جس سائز کے آپ کو برگر یا کباب چاہیے وہ بنا کے ایئر فرائر کے باٹم کے اندر جو ہے وہ آپ رکھ لیں۔ تقریباً 5 یا 6 جو ہیں وہ میرے ایئر فرائر میں آ جاتے ہیں۔ ایئر فرائر کے اندر آپ نے اپنے برگر پیٹیز یا کباب جو ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے رکھنے ہیں، اور اب یہ برش کی مدد سے میں تھوڑا سا آئل اوپر بھی لگا رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو نارمل توے کے اوپر بھی اپنے کباب یا برگر پیٹیز جو ہے یہ بنا سکتے ہیں، یہ بہت اچھے اور جلدی بن جاتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے کنوا برگرز ایئر فرائر میں بنا رہی ہوں۔ اچھا، کنوا آرڈر کرانے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ میں 200 ڈگری سیلسیس کے اوپر 15 منٹ تک کے لیے پکاؤں گی۔ یہ جی ہمارے برگرز کا ٹائم جو ہے یہ ہو گیا، اور بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنے سپر فوڈ کنوا سے بنے ہوئے برگر جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ آپ بھی اگر ویٹ لاس کے لیے یا گلوٹن فری ڈائٹ کے لیے ڈائٹ چارٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے جو ہیں کباب ان کو نکال کے تو پلیٹ کے اندر ارینج کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو کباب کی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے برگر پیٹیز بنا کے آپ اس کا برگر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انتہائی لذیذ اور مزیدار ہیں۔ ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے، آپ اپنے 1 یا 2 برگر جو ہیں وہ نکالیں۔ چائے کے ساتھ بھی بہت مزے کے ہیں۔ اگر آپ نے ہیلدی بریک فاسٹ لینا ہے تو ہیلدی بریک فاسٹ کے لیے آپ نے اس کو اپنے گلوٹن فری برگر بن کے اندر جو ہے لگانا ہے۔ گلوٹن فری برگر بن آپ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی ریسیپی بھی آپ کو اوپر دیے گئے لنک پر مل جائے گی۔ اور اپنے برگر کو نہ آپ نے یہ دیکھ لیں، میں اس کے ساتھ میری کاجو کی جو چیز ہے، ڈیری فری چیز جو ہے جو میں نے کاجو سے بنائی ہے، اس کی بھی ریسیپی انشاءاللہ ہم جلدی اپلوڈ کریں گے، وہ میں لگا رہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری ریسیپیز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی۔ ہمیں فالو کیجئے اور ہمیں لائک کیجئے، اور ایسے ہی ہیلدی ہیلدی ڈشز بنا کے کھاتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔